इस संदेश का कोई शीर्षक नहीं है क्योंकि यह कोई संदेश नहीं है आज मैं सिर्फ अपने मसीही भाई बहनों से चर्चा करना चाहता हूं एक समस्या के विषय में जो कई मसीही भाई बहन फेस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं फेस आज लगभग दो साल हो गए हैं जब हमने अपने वीडियोस अपलोड करने शुरू किए थे और इसमें हम लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं बाइबल के सिद्धांतों को लेकर उनकी शिक्षाओं को लेकर जब मैं मसीह बना था शुरू शुरू में तो मुझे मसीहत के बारे में और बाइबल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था मैं रोमन कैथलिक चर्च से आया था और रोमन कैथलिक चर्च जैसा कि मैं अपने कई संदेशों में बता चुका हूँ वो वास्तविक मायनों में बाइबल पर आधारित चर्च नहीं है जिसकी वजह से बाइबल का कोई विस्तृत ज्ञान उन चर्चों में नहीं सिखाया जाता बल्कि उनकी शिक्षाएं बहुत गलत हैं और मनुष्य की बनाई हुई हैं तो जब मैं मसीहत में आया मसीह को जाना तो बहुत आनंदित हुआ हमारा चर्च बहुत अच्छा था हमारे पैस्टर वो बाइबल के विद्वान हैं तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा फिर मेरे को एक समय बाद ये समझ आया कि मुझे अपना एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप बनाना है संबंध यीशु मसीह के साथ जो मैंने बनाया और मैं हर बात के लिए यीशु से बात करने लगा कि जो सिद्धांत मैं सीख रहा हूँ क्या वो सही हैं पवित्र आत्मा की गवाही कैसे सुनते हैं वो सब मैं समझने लगा फिर मैंने बाइबल कॉलेज किया और प्रभु मुझे धीरे धीरे करके इस मिनिस्ट्री में ले आया तो जितने भी भाई बहन हमारे संदेश देखते रहते हैं वो मेरी सारी गवाइयों से वाकिफ हैं तो मुझे बहुत बाद में जाके ये समझ आया था कि मसीहत के इतने रूप हैं इतने डिनोमिनेशनस हैं और इतनी सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं तो मेरे मन में हमेशा ये बोझ रहता था कि परमेश्वर जब मैंने तुझे सच्चे मन से ढूंढा तो तूने मुझे सही चर्च दिखा दिया सही पैस्चर दिखा दिया और बाइबल कॉलेज दे दिया जो बिल्कुल सही रीति पर सिखाता है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मसीहत की जो हालत है वो बहुत अच्छे नहीं है हमारे देश में उसका कारण यह है कि अलग अलग विचारधारा अलग अलग सिद्धांत इतने सारे फैल गए हैं और बहुत सी जगहों पर तो लोगों ने चर्च को एक बिजनेस बना लिया है जिनके बारे में मैं अपने संदेशों में बता चुका हूँ गलत सिद्धांत बहुत सारे चल रहे हैं तो मैं कैसे अपने मसीही भाई बहनों को सच्चा संदेश दूँ सही सिद्धांत सिखाऊँ ऐसी मेरी प्रार्थना रहती थी और परमेश्वर ने वो कर दिखाया वो मुझे इस मिनिस्ट्री तक ले आया और इंटरनेट के ज़रिए हम पिछले दो सालों में बहुत से टॉपिक हमने बाइबल से संबंधित कवर किए लगभग 315 वीडियो हो चुके हैं तो जितने भी भाई बहन हमारे लगभग सभी वीडियो देख चुके हैं मैं जानता हूं कि उनका विश्वास बहुत ऊंचा बढ़ गया है उनका संबंध यीशु से बहुत गहरा हो गया है आज उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी गलत सिद्धांत वो झट से पहचान लेते हैं और कोई भी आके उन्हें बहका नहीं सकता बहला नहीं सकता या गलत चर्च में नहीं ले जा सकता वो चट्टान की तरह मजबूत हो चुके हैं ऐसी गवाहियाँ हमें मिलती भी रहती हैं तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि जितने भी लोगों ने हमारे वीडियोज़ देखे उनको बाइबल के जो शिक्षाएं हैं जो वचन हैं उनके आयतों के मतलब अच्छी तरह से समझ आ गए और उसके आधार पर कैसे जीवन गुजारना है ये भी समझ आ गया यीशु के लिए कैसे खड़ा होना है इस समाज में इस संसार में वो भी उन्हें समझ आ गया तो साथ साथ वो खड़े होने लगे खड़े होने पर सताव होते थे वो सब का वो सामना करने लगे इन सब की वजह से उनका जीवन एकदम सटीक हो गया वचन के आधार पर और सही मायनों में उनको एक नया जीवन मिल गया तो ये सब देख के मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं गवाइयाँ पढ़ता हूँ अक्सर बड़ी बड़ी गवाहियां जो मैं पढ़ता हूँ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं कहता हूँ प्रभु इतना बदलाव इतना कुछ आपने दिया उसको सिर्फ संदेश देखने से तेरे जय हो मेरे मन में हमेशा ऐसे ही निकलता है फ्रेज द लॉर्ड लेकिन साथ साथ ये भी बहुत बार लिखा जाता है कॉमेंट बॉक्स में कभी ई मेल कि ब्रदर आपके संदेश देखने के बाद हमें सच्चाई तो पता चल गई लेकिन साथ में हमें यह भी समझ आ गया कि हमारा जो चर्च है वो गलत सिखा रहा है बहुत सी गलत शिक्षाएं चल रही है वहाँ पे जब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा विरोध करते हैं और हमें गलत ठहरा देते हैं बल्कि वो ये भी कह देते हैं कि आप यूट्यूब पर संदेश देखने के बजाय हमारे संदेशों पर ध्यान लगाइए तो वो जो भी हमारा दर्शक है वो निराश हो जाता है निरुत्साहित हो जाता है क्योंकि उसके मन में तो यही होता है कि जिस तरह सच्चे मन से उसने अपना मन खोला और सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया वचन को प्राप्त किया उसी तरह दूसरे लोग भी कर लेंगे अब सच तो यह है कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि जब आप सच्चा वचन किसी को सिखाएंगे तो जो भी गलत उसने सीखा होगा वो जल्दी से हटा देगा और सही मायनों में जो सही सिद्धांत है उसको स्वीकार कर लेगा लेकिन अपने अनुभव से मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता क्योंकि वचन की जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने और उस पर चलने के लिए आपके दिल में वो ईमानदारी होनी चाहिए वो सिंसियरिटी होनी चाहिए और यीशु को अपना सब कुछ दे देने की एक इच्छा होनी चाहिए तभी आप उस वचन को स्वीकार कर पाते हैं तो हमारे दर्शक जब जाते हैं दूसरों को बताते हैं कि भाई जो सिद्धांत आप सिखा रहे हैं वो गलत है तो वो जाहिर है वो स्वीकार नहीं करते भले ही आप कितने भी तर्क दे दें दे, भले ही आप वीडियो भेज दें भले ही आप आयतें दिखा दें लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तरीके से कड़ा कर लिया कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है फिर मैंने ये भी दिखाया कि बहुत से चर्चों में जो गलत सिद्धांत चलते हैं अन्य भाषा को लेकर चंगाई को लेकर या पवित्र आत्मा से संबंधित जो विषय है वो गलत पढ़ाए जाते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के उन्होंने चर्चों को भी एक धर्म बना दिया है लोगों को आकर्षित करने का फिर दशमांश और भेंट को लेकर बहुत से गलत सिद्धांत चल रहे हैं कहीं पर तेल बेचा जा रहा है बहुत कुछ ऐसा चल रहा है मसीहत में जहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मसीहत का नाम बहुत ख़राब हो चुका है वैसे ही हमें बाहर से बहुत दबाव रहता है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं या पैसा देते हैं ऊपर से हमारे अंदर की यह हालत है तो मैं समझ सकता हूं यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जब एक मनुष्य सच्चे वचन को स्वीकार कर लेता है वो सच्चाई मैं नहीं बता रहा होता हूं आपको वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहा होता है जो आपके अंदर है क्योंकि आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया वो पवित्र आत्मा किसकी गवाही देता है सत्य की गवाही देता है जैसे कि योना सोलह सात और आठ में लिखा हुआ था लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा आपको सत्य की गवाही देगा तो सत्य आपके अंदर जा रहा है अब क्या किया जाए सत्य तो रुक नहीं सकता वो तो अपनी गवाही देता रहता है इसलिए आप कोई भी गलत सिद्धांत अब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जितने भी मैंने आ, असली नोट नकली नोट जो मैंने सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैंने जहुआ विटनेस मदर जरूसलम फिर पूर्वी बिजली सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चर्च इन सब पे मैंने आ, संदेश बनाया उसके अलावा क्या मसी को अपना भविष्य देखना चाहिए ये जितने भी भविष्य वक्ताओं को लेकर भविष्यवाणियों को लेकर बहुत से चर्चों में गलत सिद्धांत चल रहे हैं तो हमारे दर्शक वो कुछ हद तक परेशान हो गए अब वो कहते हैं कि हर जगह गलत सिद्धांत चल रहे हैं तो हम कहाँ जाएं और मैं उनकी समस्या को समझ समस्य सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है उसमें चर्च का मतलब है सच्चे मसीहियों की संगति उस संगति में वो वचन भी सीखता है जो भी प्रचारक या लीडर या पैस्चर होता है उसके द्वारा उसके अलावा वो जो जितने भी भाई बहन आसपास होते हैं उनके साथ एक प्रेम का रिश्ता होता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं ऐसे चर्च बनता है ऐसे योजना थी यीशु मसीह की कि अलग अलग जगह पे चर्च बने लेकिन क्योंकि चर्च गलत रास्ते पे चले गए बहुत से गलत शिक्षाएं बहुत से गलत सिद्धांत चल रहे हैं तो हमारे दर्शक जो सच जान चुके वो कहाँ जाएँ ये बहुत बड़ी समस्या है तो वो मुझसे ही पूछते हैं कभी कभी कि ब्रदर हम कहाँ जाएं? कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा चर्च तो इतना गलत सिखा रहा है आपकी शिक्षाओं से हमें समझ आए कि सच्चाई क्या है पवित्र आत्मा ने हमें सिखा दिया है तो क्या ये ठीक रहेगा कि हम चर्च ना जाएँ और घर पर बैठें और आपके संदेश देखें और अपने भजन गाएँ तो सच बताऊँ तो इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है मैं और हमारी टीम अक्सर ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने लोगों को भी आपने सच्चाई बताई और उनके चर्च गला सिखा रहे हैं उन्होंने चर्च तो छोड़ दिए वहां जाना छोड़ दिया उन्होंने लेकिन अब वो कहाँ जाए उनके पास संगति का क्या रास्ता है इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं तो परमेश्वर हमें ये आश्वासन तो देता है कि इनका समाधान मैं निकाल रहा हूं अपने समय से निकलेगा तो मुझे दिख रहा है कि वो समाधान निकलेगा लेकिन आप लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना ही है कि पहली बात तो यह है कि आप हमारे संदेश देखते रहिए निरंतर बहुत जल्दी हमारे को जो योजना दी है परमेश्वर ने वो है गहराई से बाइबल को सिखाना जिसमें पुस्तक दर पुस्तक आयत दर आयत हम सिखाएंगे तो वचन अच्छे से समझ आएंगे आपको जितने भी टॉपिक बेस्ड संदेश थे वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और भी दूंगा कुछ तो जितने भी सवाल आपके मन में हैं धीरे धीरे करके वो और खत्म होते जाएंगे विश्वास पक्का होता जाएगा तो वो देखते रहिए हमारा जो अगला स्टेप है हमारी मिनिस्ट्री का वो बहुत जल्दी आने वाला है तो जैसे ही वो आएगा हम आपको अनाउंस कर देंगे तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं और गहराई से बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं वो तो आप करते रहिए उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि किसी चर्च में अगर गलत शिक्षा दी जा रही है तो आप वहां मजबूरी में इसलिए जाएं कि दूसरा कोई चर्च नहीं है क्योंकि जहां गलत शिक्षा दी जा रही है वहां पवित्र आत्मा गवाही नहीं देता है तो आप भले ही वहाँ जा कर कोई दोस्तों से मिले आपको संगीत थोड़ा अच्छा लग रहा हो लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो अगर आपने ये फैसला किया है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता तो मैं उसको रोकूंगा भी नहीं मैं नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल जाइए चर्च सही होना चाहिए सही सिद्धांत होना चाहिए मैं ये नहीं कह रहा कि चर्चों में कुछ कमी नहीं होगी चर्चों में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है इधर उधर लेकिन मुख्य सिद्धांतों को लेकर अगर उसमें गड़बड़ है उन शिक्षाओं में तो वहाँ जाना आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हानिकारक है इसलिए वहाँ ना जाए तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ हाँ अगर आप देखते हैं कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है और जो मुख्य संदेश हैं वो सही हैं जो चंगाई को लेकर पवित्र आत्मा को लेकर या अन्य भाषा को लेकर या भविष्यवाणी को लेकर जैसे हमने सिखाएं उसके आधार पर अगर वो सही हैं तब तो आप जा सकते हैं जितने भी मुख्य संदेश आपको लगते हैं कि यहाँ ये मुख्य हैं तो तब तो आप जाइए लेकिन अगर आपको लगता है उनमें गड़बड़ है तो मत जाइए लेकिन अगर छोटी मोटी गड़बड़ है जैसे कि किसी का स्वभाव आपको अच्छा नहीं लग रहा या या किसी बात को लेकर आपका जो आप ग्री नहीं कर पा रहे जैसे हमने अपने संदेशों में बताया कि जो सिर ढकने के ऊपर स्त्रियों के या स्त्रियों के स्त्रियों के सर ढकने के ऊपर जो हमने संदेश दिया था अगर आपको लगता है कि आपका चर्च उसके आधार पर नहीं चल रहा है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है इतनी बड़ी समस्या नहीं है वो तब आप जा सकते हैं उसमें तो मेरे इस बात को कृपया करके समझने की कोशिश कीजिए कि जहां मुख्य सिद्धांतों में गड़बड़ है वहाँ मत जाइए जहां आपको लगता है कि ये तो बिजनेस चल रहा है यहां पैसे लूटे जा रहे हैं किसी ना किसी बहाने से दबाव डाला जा रहा है हमारे पर दशमांस का भेंट का ऐसे सब चर्चों में मत जाइए क्योंकि वो चर्च है नहीं वो सिर्फ बिजनेस सेंटर है या गलत सिद्धांत किसी भी मकसद से चलाए जा रहे हैं लेकिन छोटी मोटी गड़बड़ अगर है जिससे आपके आत्मिक उन्नति में प्रभाव नहीं पड़ रहा है वहां जा सकते हैं आप तो भी आप शायद ये कहेंगे कि ब्रदर ज्यादातर चर्च जितने भी हैं हमने देखे हैं वो सब तो गलत सिद्धांत सिखा रहे हैं और सच तो यह कि मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि मैंने खुद ही अनुभव किया हुआ है तो समस्या वहीं आ जाती है कि फिर हम कहा जाए तो उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप ऐसा कीजिए हमारे संदेशों में बढ़ते रहिए आगे जो कुछ हम अपलोड करें उन्हें देखते रहिए ताकि आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे उसमें रुके ना दूसरा आप प्रार्थना करना मत छोड़िए कि प्रभु मुझे एक ऐसी संगति दे जो आत्मा और सच्चाई में वचन सिखाते हो ऐसी संगति चाहिए मुझे जहाँ गाना बहुत अच्छा हो या कमरा बहुत अच्छा हो या कुर्सियाँ बहुत अच्छी हों या पास्टर बहुत अच्छे लग रहे हो देखने में नहीं मुझे ऐसी संगति दे जो वास्तव में तेरा चर्च है जहाँ तेरी आत्मा है जहाँ तेरे वचन सच्चाई और ईमानदारी से सिखाए जाते हैं ये प्रार्थना निरंतर करते रहिए उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो हर वीडियो से पहले आता है सिर्फ तीन सेकेंड के लिए उसको पॉज करके आप वो नंबर नोट कीजिए आप हमें ये रिक्वेस्ट भेजिए कि मुझे पर्चे छपाने हैं उसका सैम्पल उसका नमूना भेजिए तो हम उनको नमूना भेज देते हैं बहुत से भाई बहनों ने छपाए भी हैं जब आपके पास कुछ पर्चे आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं संडे को बाहर जाकर प्रभु से प्रार्थना कर कर आप अकेले हो या आपके साथ कोई और हो जाकर पर्चे बांट सकते हैं तो ये तीन काम तो आप कर सकते हैं चौथी बात यह होती है कि प्रभु की योजना हमें मालूम नहीं है हो सकता है कि आपके अंदर इतनी सच्चाई आ गई हो वचन का ज्ञान बढ़ते जा रहा हो और परमेश्वर ने आपको प्रचारक या पास्तर बनने के लिए या कोई स्त्रियों की मिनिस्ट्री को लीड करने के लिए बुलाया हो इसीलिए हो सकता है कि उस चर्च से आपको बाहर निकाला हो तो आप वो रास्ता मत रोकिए आप पर्चे बांटते रहिए लोगों को सुसमाचार सुनाते रहिए यह पहला कदम होता है तो धीरे धीरे प्रभु कुछ लोगों को आपके साथ जोड़ देगा अगर उसकी योजना में वो है तो जब वो लोग जुड़ने लग जाएंगे तो आप कहीं पर भी उनसे मिलिए या अपने घर में या किसी और जगह पर और दो तीन लोगों को लेकर वो छोटी सी बाइबल स्टडी हो सकता है वो नए मसीही हो हो सकता है कि वो अन्य जाति से हो उनके साथ वो छोटी सी बाइबल स्टडी शुरू कर दीजिए भले ही दो या तीन लोगों कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप प्रार्थना कीजिए भजन गाइए वचन जो आपने सीखे हैं वो उनके साथ बांटिए उसको बोलते हैं चर्च तो धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि आपको प्रभु ने चुना हो नया चर्च खड़ा करने के लिए आपको अभी देख के लगता होगा कि चर्च के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं चाहिए आप एक पेड़ के नीचे भी चर्च चला सकते हैं बाकी जो कुछ देता है प्रभु अपने समय से अपनी योजना में दे देगा मुख्य बात क्या है उसका वचन सिखाने वाला चाहिए उसको वो प्रचारक और पास्टर बनाता है जिसके अंदर ये बात आ गई जिसको उसने वो बुद्धि और समझ दी है कि वो सीख सकता है तो हो सकता है कि आपके अंदर डाला उसने तो इसलिए इस बात से निरुत्साहित मत होइए डिस्करेज मत होइए कि भाई मैं कहाँ जाऊं आप शुरू कीजिए हमें कोई तराज नहीं है और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए आप मेल में लिखिए कि मैंने ये शुरू किया है तो क्या करना है धीरे धीरे मैं आपको गाइड करना शुरू करूंगा और जैसे जैसे आप आने वाले समय में जो हम गहराई से बाइबल सिखाएंगे आप सीखते जाइए सिखाते जाइए धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो तीन से चार से पांच बढ़ते जा रहे हैं अगर वो प्रभु ने अपनी योजना में रखा है आपको लेकर तो लीडरशिप के लिए जिनको भी बुलाया है वो ये काम कर सकते हैं अन्य लोग जो है वो पर्चे बांट सकते हैं पर्चे बांटने से उनको बहुत शांति मिलेगी पूरे विश्वास के साथ क्योंकि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में प्रभु आपको या तो वो हमारे मिनिस्ट्री से कोई चर्च शुरू होगा वहां पर या कोई और अच्छी मिनिस्ट्री होगी जो वचन को सही तरीके से सिखा रही होगी प्रभु आपको जोड़ देगा यह भी हो सकता है कि जब आप वचन का प्रचार कर रहे हो तो एक दो अच्छे मसीही मिल जाए ऐसे करके आपका जो संडे का या किसी और दिन का जो चर्च जाने का जो एक काम अच्छा वाला जो आप करते थे वो मिस नहीं होगा अब वो चलता रहेगा भले ही अपने घर वालों के साथ आप कर रहे हैं या किसी दोस्त के साथ कर रहे हैं उसको रोकिए मत जैसे कि पुराने समय में क्या होता था जब पाउलुस कहीं जाता था जैसे गोरेन्थ में गया या इफिशो में गया वहां कोई चर्च नहीं था तो वो खुद ही ये काम करता था प्रचार का फिर धीरे धीरे चर्च बना शुरुआत में जब थौमा आया था भारत में केरल राज्य में यहाँ कोई चर्च नहीं था फिर धीरे धीरे उसने प्रचार किया तो चर्च बना ऐसे करके ही चर्च सारे शुरू हुए हैं तो ऐसे करके आपके यहाँ भी हो सकता है मुझे तो पूरा विश्वास है कि क्योंकि हमारे पास जो दर्शक हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए वो भारत के सभी राज्यों में से हैं धीरे धीरे करके वहां पर चर्च बनना शुरू हो जाएंगे बाइबल के सही सिद्धांतों के साथ और वो चर्च परमेश्वर बड़ा करेगा क्योंकि उसमें सच्चाई है उसमें पवित्र आत्मा है अपने तरीके से बड़ा करेगा उनके जो लीडर्स हैं उनके दिल में वो डालेगा मुझे विश्वास है कि आज मेरा ये संदेश सुन के कुछ लोगों के मन में आएगा कि प्रभु मुझे बुला रहा है पहली बात मुझे संयम के साथ सीखना है मुझे इतना ज़्यादा उत्साहित नहीं होना एक्साइटेड नहीं होना कि मुझे बाइबल काफ़ी समझ में आ गई है तो मुझे जल्दी जाके चर्च खड़ा करना है नहीं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और सीखना है, ऐसे मान के चलिए हमारा चैनल आपको सिखाएगा धीरे धीरे करके इसीलिए तो हम चल रहे हैं इस रास्ते पे तो धीरे धीरे और सीखना है लेकिन साथ साथ प्रभु जो दिखा रहा है रास्ता जो खोल रहा दरवाजा उस पर बढ़ते जाइए धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप भी सीख रहे हैं आगे भी सिखा रहे हैं ऐसे करके आपकी चर्च की कमी पूरी हो जाएगी भले आप स्त्री हैं या, है, या पुरुष हैं कोई भी उम्र के हैं ये सब हो सकता है ये सब हमने जब शुरू किया था तो हमने भी ऐसे ही शुरू किया था तो आज इतने लोग जुड़ गए आपके साथ भी जुड़ेंगे तो अगर आप कहते हैं कि भाई हम कहाँ जाएँ तो उसका जवाब ये था मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहूंगा कि जो संदेश मैंने आज आप लोगों को दिया उसके आधार पर प्रभु आपसे बात करें और धीरे धीरे आप ये फैसला ले सकें कि हम क्या करें कैसे हम ये संगति करें कैसे हमें वो लोग मिलें ये प्रार्थना करते अगर आप रहेंगे तो देखना प्रभु ये काम को ज़रूर पूरा करेगा आपकी जो कमी है चर्च की आज कि मैं गलत चर्च में नहीं जाना चाहता वो पूरी हो जाएगी प्रभु आपको दिखाएगा कि कैसे आप स्वयं भी चर्च शुरू कर सकते हैं कुछ लोगों को लगता है कि चर्च का मतलब यह है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कुछ कोई बिल्डिंग होनी चाहिए या कोई सरकारी कागज़ पूरे करने पड़ते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा चर्च प्लांटिंग बहुत आसान है कोई भी कर सकता है जिसको प्रभु बुला रहा है सबसे बड़ी बात तो यह है कि काम तो प्रभु करता है जितनी बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा जब आप उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं पहला कदम तो यही है कि आपको जाके प्रचार करना है चाहे पर्चे बांट कर चाहे मुंह से बोल के वो सबसे पहली निशानी होती है अगर प्रभु ने किसी को बुलाया दूसरी निशानी ये होती है कि उसके अंदर मन में ये होता है कि मुझे बाइबल का गहराई से अध्ययन करते जाना है मुझे कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत समझ आ गया वो दूसरी निशानी होती है तो उससे पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये दोनों बातें मेरे अंदर हैं मुझे शुरू करना है आपके आसपास जैसे हमारे ही दर्शक जो देखते हैं अगर आप किसी को जानते हैं जो आपके आसपास है या आपके ग्रुप में है तो वो आपका साथी बनेगा वहां पर संगति होगी आपकी संगति भले ही दो जन की हो लेकिन वो फिर भी संगति होती है दो जने मिलकर भी बहुत आनंदित रह सकते हैं तो किसी भी रूप से आपको चर्च की कमी महसूस नहीं होगी कृपया ये संदेश उन सब लोगों को भेज दीजिए जितने भी लोग इस बात से परेशान हैं कि अपना चर्च तो हमने छोड़ दिया हम इस चैनल से जुड़ गए हैं सच्चाई समझ में आ गई है तो हम कहाँ जाएँ उन सबको ही संदेश भेज दीजिए और अपनी तरफ से समझा दीजिए कि प्रभु ने आपको कोई कमी नहीं दी है अगर गलत चर्च से निकाला है तो वो आपको समय से सही चर्च भी देगा और जिस तरीके से संदेश में समझाया गया है वो आपकी सारी बातें पूरी करेगा हमें